नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अंकुश पाटीदार और आज हम बात करेंगे 10वीं CBSE रिजल्ट डेट की। अगर आपको चाहिए इस विषय में ज्यादा जानकारी तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, धन्यवाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सभी को 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार है। CBSE से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 29 या 30 मई को 10वीं के परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। CBSE 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने शनिवार को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 दिनों में 10वीं के परिणामों की तारीख बता दी जाएगी। माना जा रहा है कि सोमवार को परीक्षा परिणाम जारी होने की तारीख की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 अथवा 30 मई को परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। CBSE ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू की थी। इस वर्ष 8 साल बाद 10वीं के छात्रों को अनिवार्य रूप से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल किया गया था। CBSE के अनुसार इस वर्ष 16,38,428 विद्यार्थियों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। गौरतलब है कि 10वीं गणित की परीक्षा लीक होने का मामला सामने आया था, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि वो 10वीं गणित की परीक्षा फिर से आयोजित नहीं करेगी। बोर्ड के इस फैसले के बाद देश भर के 16 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अपने इस फैसले के पीछे बोर्ड ने तर्क दिया था कि 10वीं गणित का पर्चा लीक होने का ज्यादा व्यापक असर नहीं हुआ है और इसलिए परीक्षा फिर से आयोजित नहीं की जाएगी। CBSE 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हुई थीं। CBSE के अनुसार इस वर्ष 11,510 स्कूलों के कुल 84,386 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इन छात्रों के लिए देश विदेश में कुल 4,145 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से कुल 11,06,772 छात्र शामिल हुए और 9,18,763 छात्र पास हुए हैं। CBSE के अनुसार पास हुए छात्रों में 72,599 छात्रों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए थे, जबकि 12,737 छात्रों को 95% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि 91,818 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, जिनका कुल फीसद 8.30 है। इस वर्ष जारी परीक्षा परिणाम में त्रिवेंद्रम परिक्षेत्र अव्वल रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर चेन्नई क्षेत्र व तीसरे स्थान पर दिल्ली परिक्षेत्र रहा है। वहीं केंद्रीय विद्यालय का पास फीसद सबसे अधिक रहा है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना तो भूलिएगा ही मत। धन्यवाद।